नमस्कार, सोमारे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। इंदौर शहर में पहली बार गोमय राखिया और गोमय गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही है। कहते हैं भगवान गणेश जी की गोमय मूर्तियां बहुत दुर्लभ और पवित्र होती है। गोमय मूर्तियां वो राखियों में तुलसी के बीज डाले गए हैं ताकि मूर्तियां विसर्जित आसानी से हो सके। गोमय मूर्तियों में किसी भी प्रकार का रासायनिक घटक का उपयोग नहीं होता है, प्राकृतिक मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियों व राखियों में तुलसी के बीज डाले जाते हैं जिससे गणेश विसर्जन या भविष्य में जब मूर्ति को विसर्जित किया जाता है तो वो बहुत ही आसानी से विसर्जित हो जाती है। साथ ही गमलों में डालने पर तुलसी का रोपण हो जाता है, ये खाद का कार्य करती है। प्रकृति से जुड़कर ये कोरोना का एक बहुत बड़ा जो आपातकाल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि प्रकृति बहुत बुरी तरह से हम लोगों की वजह से बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या अच्छा दे पाए, तो ये सोच के साथ और हमारी देसी गौ माता का संरक्षण हो ये सोच के साथ कोशिश ऐसी हमने नेशनल लेवल पर की है स्वर्णिम अभियान के साथ कि सभी गौ माए जो प्रतिमाएँ हैं हमारी राखियाँ हैं, आने वाले समय में आप कृष्ण गौ माता की भी प्रतिकृति और मूर्तियाँ देखेंगे। तो घर घर में गोबर से जो लिपने का पहले कॉन्सेप्ट होता था तो अब सब पक्के मकान बनने लगे हैं, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी गोमय प्रतिमाएं हर घर में, और खुद लोग चाहें तो बना भी सकते हैं। मैं ट्रेनिंग देती हूँ और नेशनल पर मैं सभी चलूँगी।